हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कैसे हम छोटे बच्चों को जिनकी उम्र अभी 3 से 4 साल रही है, जिनको अभी तक 1 to 10 या फिर 1 to 20 तक ही काउंटिंग आती है, इतने छोटे बच्चों को हम एडिशन कैसे सिखा सकते हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो तो जैसे बच्चा काउंटिंग सीखता है, काउंटिंग सीखते सीखते वो एडिशन भी अपने आप सीख लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बच्चे को, उसके पास 2 कार है, अगर आप उसको 2 कार और ला के देते हो तो खुद काउंट करके आपको बताएगा 1 2 3 4, मम्मा मेरे पास 4 कार्स हो गई। तो धीरे धीरे एक नेचुरल वे है, जो बच्चे जैसे जैसे काउंटिंग सीखते हैं वैसे वैसे वो एडिशन करना भी खुद ब खुद सीख जाता है। अब बात करते हैं बच्चों को एडिशन सिखाने से पहले उन्हें क्या क्या आना जरूरी है। बच्चों को एडिशन सिखाने से पहले ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को जितनी भी काउंटिंग आती हो, चाहे वो 1 to 10 हो, 1 to 20 हो, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वो उसको अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से लिख सके। नंबर्स लिखते समय कोई स्किप ना करे, नंबर पढ़ते समय कोई नंबर स्किप ना करे, और किसी भी तरह की उसको कोई नंबर्स में कंफ्यूजन हो, लाइक 6 और 16 में उसको क्लियर होगी 6 को कैसे लिखा जाता है, 16 को कैसे लिखा जाता है, 6 और 9 को लेकर उसे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जब आपके बच्चे को जितनी भी काउंटिंग 1 to 10, 1 to 20 है, अगर वो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आप एडिशन बच्चों को बहुत ईजिली सिखा सकते हैं। बच्चों को स्टार्टिंग में एडिशन सिखाने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप उसके लिए कोई स्पेशल एक्टिविटी ही करें, कोई स्पेशल टॉयज लें, कोई स्पेशल ऑब्जेक्ट्स लें जिसके जरिए आप उसको एडिशन सिखाएं। आप उसको डेली रूटीन के जरिए भी एडिशन सिखा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप उसको बोलो आपके हैंड्स में फिंगर्स कितने हैं, उन्हें काउंट करके बताओ। फिर आप उसको पूछ सकते हो कि आप उसके बैग में कितनी बुक्स हैं, वो काउंट करके बताओ। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल है। लाइक आप उसके पास जैसे 2 कार हैं, आप उसको 2 कार और ला के देते हो, फिर आप उससे पूछ सकते हो बेटा आपके पास कितनी कार हो गई। तो ये छोटे छोटे एग्जांपल हैं जो आप अपने डेली रूटीन के जरिए बच्चों के साथ डिस्कस करके, शेयर करके उसको एडिशन सिखा सकते हैं, ईजिली एडिशन सिखा सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों को एडिशन सिखाया कैसे जाए। बच्चों को एडिशन सिखाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप सबसे पहले पेपर पेंसिल लेके बैठे कि 3 + 2 कितना होता है, वो आप उसको सिखाएं। आप कुछ एक फन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी बच्चों को मैथ सिखा सकते हैं, क्योंकि इससे होगा क्या, बच्चा इजीली सीख भी जाएगा और उसका मैथ में इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसे मैं फन एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने बच्चों को एडिशन सिखाती हूँ, किस तरह आप भी अपने बच्चे को एडिशन करना सिखा सकते हैं। और सबसे पहला जो मेरा तरीका मैंने यूज़ किया अपने बेटे को एडिशन सिखाने के लिए, ये फन एक्टिविटी के थ्रू, इस बॉक्स के थ्रू मैंने अपने बच्चे को सबसे पहले एडिशन करना सिखाया। मैंने एकदम से पेपर पेंसिल नहीं पकड़े, मैंने स्टार्टिंग में उसको फन एक्टिविटी, कुछ भी ऐसे इंटरेस्टिंग सा बना के ही एडिशन करना सिखाया। इसमें क्या किया, मैंने एक बॉक्स ले लिया, उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा बना दिया, और साथ में मैंने यूज़ किया इरेजर का। अब उसको मैंने बोला कि यहाँ पे 3 + 2 है, तो यहाँ पे आपको 3 इरेजर्स डालने हैं, यहाँ पे आपको 2 इरेजर्स डालने हैं, अब आप मुझे काउंट करके बताओ कि आपके पास कितनी इरेजर्स हैं। और आप मानेंगे नहीं, उसने फर्स्ट टाइम में अच्छे से काउंट करके मुझे अच्छे से ऐड करके बता दिया कि मम्मा 3 + 2 = 5 होता है। तो एक जितना इंटरेस्टिंग गेम है, आप बच्चे को कुछ भी सिखाएंगे, बच्चा रिजल्ट भी उतना ही अच्छा देगा। मेरा यही मानना है कि बच्चे को कुछ भी सिखाने से पहले वो कुछ फन एक्टिविटी, बिना पेपर पेंसिल के कुछ फन एक्टिविटी के थ्रू हम उनको कुछ भी चीज़ इजीली सिखा सकते हैं। सेकेंड तरीका जो मैंने बच्चों को एडिशन सिखाने के लिए यूज़ किया वो था कलरफुल पेंसिल्स का। कलरफुल पेंसिल्स ले लीजिए आप, कलर्स ले लीजिए, कुछ इरेजर ले लीजिए, कुछ टॉयज़, कुछ भी ऐसा लीजिए जो बच्चे को पसंद हो, उसके जरिए भी आप बच्चों को एडिशन करना बहुत ईजिली सिखा सकते हैं बिना पेपर पेंसिल के यूज़ किए। अपने बच्चे को एडिशन सिखाने के लिए एक और इंटरेस्टिंग वे का यूज़ जो मैंने किया वो है ये नंबर लाइन बोर्ड। ये नंबर लाइन बोर्ड हैंडमेड है, जिसे मैंने घर पर ही बनाया है बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, पुराने वेडिंग कार्ड से। और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी किस तरह मैंने इस नंबर लाइन बोर्ड को बनाया, वहां से आप देख सकते हैं और आप भी अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं। इस नंबर लाइन बोर्ड को बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहा कि ये ट्रैवल फ्रेंडली है और हैवी लाइट वेटेड, तो इजिली मैं इसको बैग में कैरी कर सकती हूँ और ट्रैवल के दौरान मैं अपने बच्चे को किसी एजुकेशन एक्टिविटी में भी इजिली इंगेज कर सकती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, फर्स्ट बॉक्स में आप कोई नंबर लिख दीजिए, सेकंड बॉक्स में आप कोई नंबर लिख दीजिए, बच्चे को बोलिए कि जो नंबर फर्स्ट बॉक्स में आप पहले बच्चे को बोलिए वहां तक आपको जंप करना है, फिर उसके बाद आप बच्चे को बोल सकते हैं कि आपको जो नेक्स्ट नंबर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर 2 लिखते हो तो अब आपको 2 नंबर्स और जंप करने हैं। तो ये भी बहुत ईजी ट्रिक है बच्चों को एडिशन सिखाने के लिए। अगर आप नंबर बोर्ड नहीं बनाना चाहती, बनाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सिंपली किसी व्हाइट बोर्ड पर या पेपर पेंसिल के थ्रू भी नंबर लाइन बना के आप बच्चों को एडिशन सिखा सकते हैं। करना क्या सिंपल, यहाँ पे आप कोई नंबर लिख दीजिए और नीचे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जहां तक आपके बच्चे को काउंटिंग आती है वहां तक आप नंबर लिख लीजिए। अब आपने क्या कहना है अपने बच्चे को कि आपको 3 तक जंप करना है। सबसे पहले बेटा आपको 3 नंबर तक
जंप करना, तो बच्चा सिंपली यहाँ पे ऐसे जंप करेगा। फिर आप उसको बोलिए कि बेटा अब आपको 3 नंबर्स और जंप करने, लाइक 1, 2, 3, तो हम कहाँ पहुंचे, 6 पे। तो सिंपली बच्चे को बोलिए यहाँ पे अब आपको क्या लिखना है, 6। बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, जिसके जरिए आप बच्चे को एडिशन बड़े ही आराम से सिखा सकते हैं। जब मेरे बेटे ने इन फन एक्टिविटीज़ के थ्रू, कलर्स, टॉयज के थ्रू अच्छे से एडिशन करना सीख लिया, उसको एडिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर मैं उसको व्हाइट बोर्ड पर ले गया। व्हाइट बोर्ड पर फिर मैंने उसको समझाया कि आपको एडिशन कैसे करना है, 3 + 2 को हम ऐड कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे बेटे को शेप्स बहुत पसंद है और शेप्स अच्छे से ड्रॉ भी कर लेता था। तो फिर मैंने उसको शेप्स के थ्रू एडिशन करना सिखाया। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको जैसे बोला कि 3 और 2 को आपको ऐड करना है, यहाँ पे आपको 3 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, यहाँ पे आपको 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, फिर इन सारे सर्कल्स को काउंट करना है और यहाँ पे आपको लिखना है, यानी कि आपको इन सब को ऐड करके, 3 और 2 को ऐड करके यहाँ पे लिखना है। तो बड़े इजीली उसने बिना किसी मिस्टेक के एडिशन सीख लिया। ऐसे आप भी अपने बच्चे को इस तरीके से, या फिर अगर आपका बच्चा सर्कल शेप्स अच्छे से ड्रॉ नहीं कर सकता तो आप उसको लाइंस के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं, जैसे भी कन्वीनियंट हो आपके बेटे के लिए, आपके बच्चे के लिए। तो उसके थ्रू आप बच्चे को यहाँ पे व्हाइट बोर्ड या पेपर पेंसिल, जैसे भी आपको ठीक लगे, उसके जरिए आप उसको एडिशन यहाँ पे सिखा सकते हैं। तो ये सब तरीके थे जिनके जरिए मैंने अपने बच्चे को एडिशन करना सिखाया और सक्सेसफुली उसने सीख भी लिया। इन एक्टिविटीज़ का यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बच्चों को मैथ जो बोरिंग सा, जो हवा सा सब्जेक्ट लगता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है। तो इन सब तरीकों से, या फिर इनमें से कोई सा भी तरीका जो आपको लगे कि मेरे बच्चे के लिए ये तरीका सही है, इसके जरिए वो इजीली सीख सकता है, तो उनको यूज़ करके आप अपने बच्चों को बड़े आराम से एडिशन सिखा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बम्प एंड मम।